तो हेलो फ्रेंड्स, आ गए मैं एक बार फिर से न्यू प्रोजेक्ट लेकर। इस बार कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है आपके लिए, पर हमने इस बार एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाया है बहुत अच्छा, जिसे हम कहीं पर भी काम में ले जा सकते हैं, डीजे के लिए, शादी के लिए या बर्थडे पार्टी के लिए। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं और बेस्ट तरीका बताऊँगा आपको स्पीकर बनाने का। तो सबसे पहले मैं लकड़ी के कुछ इतने पीस मैंने नहीं काटे, मैं कटवा कर लेकर आया हूँ खाती के पास से, क्योंकि इतने ज़्यादा पीस को हमारे पास काटने की कोई सुविधा नहीं है। दे सकते हैं इतने इतने मोटा है, मैं आपको बताता हूँ। ये दे सकते हैं आप, आपके सामने सब कुछ है। और मैं एक बार आपको इसको नाप कर कर देता हूँ कि कौन सा पीस कितना है। ये दे सकते हैं, ये इससे भी बड़ा है, यानी कि 32-33 सेमी का, और चौड़े सबकी सेम है, चौड़े 20-22 सेमी। उसको भी रख देते हैं साइड में। और ये देखिए चौड़े वही है, इसकी लंबाई फिक्स 30 सेमी है। इस तरह ऐसे डबल पीस है, देख सकते हैं। और ये हमारे स्पीकर के हिसाब से और चिप के हिसाब से हमारे। तो पहले हम ये पीस 22.5 का चारों तरफ से, तो पहले हम इनको एक फ्रेम बनाकर अच्छे से चिपका लेते हैं। कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। ये आगे का मेन पोर्शन है हमारा, ये लगेगा पीछे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर बहुत मजबूत बनाएंगे हम इस बार हमारे ब्लूटूथ स्पीकर। ये पीस ऐसे, तो ये एक पीस ऐसे लगेगा इसके, और ये एक पीस यहाँ पर, और वो एक पीस है जो इसके आगे लगेगा बिल्कुल। तो पहले हम इनको चिपका लेते हैं और स्क्रू कस देते हैं जिससे अच्छे से रुक जाए, और बाद में हम इनके स्पीकर ये लगाएंगे। हमने सभी को अच्छे से चिपका दिया और स्क्रू लगा दिया कुछ इस प्रकार के। और यहाँ पर हमने 5-5 mm के एक तो चार होल किए, और सब मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। इसको चिपका दिया है और अब इसको साइड में रख देते हैं। और अब हमें चाहिए कुछ स्पीकर, कुछ इस प्रकार के स्पीकर। मैं कुछ इतने स्पीकर काम में लूँगा, और इनकी सब जानकारी लिखी हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। 8 और 9 वॉट FD ग्रेटर -19G सब कुछ लिखा हुआ है इन पर। ये दो स्पीकर कुछ इस प्रकार के हैं और दो स्पीकर कुछ इस प्रकार के हैं। ये है मेरी आमदनी, आप देख सकते हैं YouTube से अब तक इतनी पेमेंट आई है। और ये स्पीकर लेंगे, और हमें अब चाहिए हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल। कुछ अलग स्टाइल से लूँगा मैं इस बार, वहाँ से ये लेकर आया हूँ। ये मुझे पुरानी 400 रुपये में पड़ गई है, और न्यू 1500 रुपये की आती है। आपको भी चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन में फ़ोटो दिखा दूँगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। और सैनी एक्सपेरिमेंट का नाम लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको पहले खोल लेते हैं। ये मुझको बिल्कुल 400 रुपये में पड़ी है, ये लगाई है बिल्कुल, वरना हम इसके छोटे छोटे सामान मंगाएंगे तो भी हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। वरना ये ब्लूटूथ मॉड्यूल ओनली 300 रुपये का आता है सिर्फ, और ये सभी सिस्टम हमें 800-900 रुपये के पड़ जाते हैं। तो मैंने पुरानी टेप लेकर आई हूँ, तो इसमें सब कुछ सिस्टम है। तो इसको हम उसके अंदर सेट करेंगे और 4 स्पीकर लगाएंगे, इससे वो बड़े स्पीकर चलते हैं। पर हम ये स्पीकर लगाएंगे और एक ऊपर वाला स्पीकर भी लगाएंगे इसके अंदर। तो पहले हम इसको यहाँ से बिल्कुल निकाल लेते हैं पूरा को, और ये स्पीकर भी उसमें लगा देते हैं। फ्रेंड्स, हम इनमें स्पीकर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से लगेंगे, इसको अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर इन होल पर हमें 6 तरह इनको स्क्रू द्वारा कस लेना है। देखिए कुछ इस डिजाइन से लगाना है कि बिल्कुल अच्छी लगे ये। तो मैं यहाँ पर पहले होल करके इसको कस लेता हूँ, इस पर बिल्कुल स्क्रू कसते हैं अच्छे से। ये देखिए अब अच्छी डिजाइन लग रही है। और इधर हम पीछे वो हमारा सेटअप लगा देते हैं टेप वाला। तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसी डिजाइन दे दी है, ये देख सकते हैं बिल्कुल इसको इस प्रकार से सेट कर दिया है। मैंने एक पत्ती ली लोहे की,
और एक यहाँ पर एक छेद करके इसमें लगा दिया, वो यहाँ पर भी स्क्रू घस दिया अच्छे से, बिल्कुल एक लग जाएगी। और उसमें हम जैसे कि ऐसे उसमें एक स्क्रू घस देंगे अच्छे से यहाँ पर, तो ऊपर रहेगा ज़्यादा हीट होगा तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसको हम उसमें स्क्रू द्वारा घस देते हैं बिल्कुल। और ये दोनों जो हमने होल किए थे उसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और ये हमारे उसमें लगेंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल में, और ये 5 वोल्ट के लिए। और मैं आगे आपको समझाता जाऊंगा, तो पहले उसमें सेट कर लेते हैं। इसमें कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ लगा देते हैं, तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। हमने इसकी वॉल्यूम और सब कुछ अच्छे से लगा दिया है, और यहाँ पे हम एक स्पीकर नहीं लगाएंगे, कुछ इस प्रकार का लगाएंगे, छोटे स्पीकर आते हैं उसमें आते हैं, तो उसको कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, जैसे कि देखिए आप देख सकते ऐसे करेगा। इधर वो हमारी ब्लूटूथ, और पीछे मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं हमने बिल्कुल अच्छे से कनेक्शन भी कर दिए हैं, ये नीचे वाले स्पीकर के ऊपर वाले करना है। और यहाँ पर हमने एक पीस लगाया लकड़ी का बूपर स्पीकर लगाने के लिए, मैं बता देता हूँ कुछ इस प्रकार का बूपर स्पीकर लगाएंगे हम इसके अंदर, और ये यहाँ पर मैं अच्छे से कस दूंगा इस प्रकार से यहाँ पर, और ये वायर इससे कनेक्ट कर दूंगा। और ये हमारा सिस्टम 12 वाट से चलता है, अगर आपके पास 12 वाट सिस्टम नहीं हो तो आप ऐसा एक ट्रांसफार्मर ला सकते हैं। और इसके अंदर मैंने N5400 वाला वे लगाए हैं डायवर्ट 2, और ये 3 वायर वाला सिस्टम है, तो इसको हमें यहाँ लगाना है। और एक पीवीसी को मोड़ कर मैं इसको यहाँ खींच देता हूँ, और इसको यहाँ लगा देते हैं, और कनेक्शन सब कुछ जो पहले ही है तो लगा देते हैं हम कनेक्शन, और फिर हमारे आगे ब्लूटूथ मॉड्यूल को सोल्डरिंग करके अच्छे से लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर दिया है, और पीछे का पीस भी काट लिया है। वो पीस लगाने से पहले आपको ये बता देता हूँ मैं कि हमने एक पाइप लिया पहले, और उसको इस प्रकार से छिपा दिया, और एक जाली लगा दी यहाँ पर, देख सकते हैं इस पर हॉल है कि ये स्पेस प्रकार लगेगा, तो ये बूफर की आवाज़ इससे बाहर निकलेगी। तो पहले हम सोल्डिंग कर इनमें कनेक्शन कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यह है इधर रेड वाला प्लस का, ये माइनस का, तो इसकी यहाँ पर है प्लस माइनस, और यहाँ पर ये 4 वायर है, इसमें से 3 वायर लगेंगे, एक FM का वायर है, तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर लगा कर इसके अंदर सेट कर देते हैं। और पीछे के पीस को भी अच्छे से, उसको ग्लू द्वारा नहीं चिपकाना, उसको स्क्रू के द्वारा चिपकाना है, तो चिपकाना नहीं कस देना है स्क्रू के द्वारा, तो उसको कस देते हैं कि कभी हम उसको खोल ना हो, तो स्क्रू निकाल कर हम उसको खोल सकते हैं, कोई खराबी हो तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसको लगा कर फिर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस पीछे को पीस को ऐसे नहीं लगाएंगे, मैंने कुछ अलग सोचा है, तो मैंने पहले इसमें रंग कर दिया है पूरे को, और इसको पहले हम तोड़ लेते हैं यहाँ से, बहुत मजबूत चिपका है, मैंने देख सकते हैं आप, इसको यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। ऐसे चिपकाना आपको मेरी तरह मजबूती थे, देखिए इसको निकाल लिया है, और इसको हम बाद में लगाएंगे। और मैं एक स्पीकर लेकर आया हूँ बड़ा वाला, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, तो इसको लगाएंगे हम यहाँ पर पीछे हमारे इस यहाँ पर। तो पहले हम इसको यहाँ से मार्किंग करके काट लेंगे, और वो हमारे छेद भी लिखेंगे हम, पर उसको यहाँ नीचे कर देंगे हम यहाँ पर, और ये हम बड़ा स्पीकर लगाएंगे बिल्कुल ये वाला, जिससे हमारी आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी और ज़्यादा आएगी, तो वो ऊपर भी हम इसको लगा देंगे पीछे। तो यहाँ पर पहले हम इसको मार्किंग कर काट लेते हैं, और रंग हम पूरे पर कर फिर आपको टेस्टिंग करके बताते हैं आप। तो फ्रेंड्स, हमने इसको घर में बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, रंग भी कर दिया है, और पीछे भी लगा दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बोर्ड को साइड में रखकर, और ये देख सकते हैं आप, इसके नीचे मैंने इस प्रकार की कीलें लगाई है स्टैंड के लिए, ये देखिए आप पीछे भी स्पीकर अच्छे से लगा दिया, इसकी जाली भी लगा दी है। तो पहले हम इसको यहाँ पर रख कर हमारे इस बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, मैंने इसका वायर ज़्यादा लंबा नहीं रखा, इसके पीछे इसको कनेक्ट कर देते हैं पहले, तो यहाँ पर पीछे तो लगा दिया, देख सकते हैं आप, और एक बार चालू कर देता हूँ इसकी तार से, नहीं लगा देखिए ये बोल रहा है अभी, सीखो बाद में देखना, ज़्यादा आवाज़ भी ऐसे करता है। मैं एक बार देखिए कौन से ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है, और हम इसमें एनसीएस सॉन्ग चला सकते हैं, दूसरे सॉन्ग चला नहीं सकते, तो हम वो सॉन्ग चला लेते हैं एनसीएस पहले,
अच्छी बात, पहले बिल्कुल कम कर देते हैं, सब कुछ कम कर देते हैं, फिर आपको सुनाऊंगा अच्छे से। सब कुछ कम कर दिया है और पहले हम ये अंशिया सॉन्ग चला रहे हैं, देखिए चल चल गया, और अब हम इसकी आवाज़ करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हमने इस जाल को खोल दिया आपको टेस्ट करके, टेस्टिंग करके बताने के लिए। तो पहले हम इसमें वापस ला देते हैं सॉन्ग, देख सकते हैं। आपको ये हमारे YouTube, अभी हमारी YouTube की आमदनी, इसमें रखकर आपको दिखा देता हूँ ये चल रहा है नहीं चल रहा है, रख दिया, देख सकते हैं अच्छे से चल रहा है ये। सभी स्पीड चल रहे हैं अच्छे से, और अब हम पीछे की स्पीड की टेस्टिंग करके बताते हैं कुछ अलग तरीके से। तो हमारी वीडियो नहीं बनी इसलिए मैं आपको वापस चालू करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं इसमें हमारी आमदनी नहीं यूट्यूब की। अब इसमें हम पानी डालकर दिखाएंगे, देखिए पानी डाल दिया इसके अंदर हमने, और अब हम इसको चला देते हैं। तो इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और न्यू वीडियो आपको बहुत जल्द मिलती रहेगी इस चैनल पर।